Hi guys, I Rajiv Madhavan. Welcome you all once again to my new class, Learn English Simple. आगे का दो क्लास में मैंने फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सिखाया, तो शायद आप लोगों को पूरा पूरा अभी जानकारी आ गए होंगे, पूरा पूरा उसका नॉलेज मिल गए होंगे. अगर आपको नॉलेज उसमें कुछ भी डाउट हो, आप बार बार देख लो एक बार. You watch it again and again, तो until you get thorough, तो आपको उसमें से अपना मालूम पड़ेगा. नहीं मालूम पड़ते तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा. काफ़ी लोग ने मुझे लिखा है, तो आपका क्लास अच्छा है पर हमको हिंदी में कम समझ में आता है, हमको मलयालम में ये क्लास चाहिए. काफ़ी लोग का रिक्वेस्ट आया है, तो वो लोग को मैं बोलता हूँ, आपको मलयालम में मैं क्लास करूँगा. ये एक बार मेरा हिंदी में पूरा इंग्लिश ग्रामर एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद में ये क्लासेस में मलयालम में भी आपके लिए कर दूंगा. ठीक है, तब तक आप मेरे से टिल देन प्लीज बियर विद मी. ओके, तो आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाला हूँ जो इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो आप ध्यान से ये सुनना, ये आपको पूरा पूरा अंदर उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा. इसको बार बार सुनने में आपको पूरा पूरा वो क्लियर मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, टेंसेस क्या है? ठीक है, टेंसेस में भी एक्टिव वॉइस में भी बोलना पड़ेगा अपने को, पैसिव वॉइस में भी बोलना पड़ेगा. आज मैं एक्टिव वॉइस में लूंगा. अब मैंने एक टेबल बना के आपको सिखाऊंगा. ये टेबल आपका माइंड में डाल दो, ये टेबल आपका माइंड में डाल दो. ये टेबल से आप माइंड में ये टेबल का पिक्चर ला देने का आपको, तो सब आपको मालूम पड़ जाएगा. इतना सिंपल वे में आपको मैं सिखाता हूँ. ऐसा नहीं मैं एक एक करके सिखाऊंगा. आप ये टेबल एक बार ये टेबल आप ड्रॉ कर देना. ड्रॉ करके ये टेबल में जो मैं लिखूंगा वो आप लिख लेना. मैं भी एक कंप्यूटर में टाइप करके आपको शो करूंगा. वो शो करने से उससे देख के आप आराम से लिख सकते. कदाचित मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आते हो तो. ठीक है, तो ये टेबल बना के करने से आपको ये इसीलिए आपको मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको. टेंसेस, तीन टेंसेस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यहां पे आएगा, इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा. ठीक है, ये इसका फॉर्म कैसे है? मैंने आपको एक ही सिंपल सेंटेंस से मैंने क्लास स्टार्ट किया, पर ये क्लास का एंड तक मैं वो सेंटेंस लेके चलूंगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा वो सेंटेंस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको सेंटेंस बताया था, आई राइट ए लेटर करके मैंने सेंटेंस चालू किया था. ठीक है, मेरा पिक्चर क्लियर दिख रहा है आपको? जूम करने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं करो. ये टेंसेस यानी कि मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको इसी समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं सिखाऊंगा, ये मेरा जवाब, मेरा गारंटी है. आप सब 100% सीख जाओगे. ठीक है, तो मैंने आई राइट अ लेटर से स्टार्ट करूंगा. मैंने ये चीज आपको पहले पढ़ाया हुआ था, इंडेफिनिट में मैंने पत्र लिखा, मैंने कत लिखा, वो भी बताया था आपको. मैं पत्र लिखता हूं, वो भी बताया था आपको, बराबर. पत्र लिखता हूं, पत्र लिखा है, लेटर लिखता हूं, मैटर लेटर लिखा. ठीक है, ये इसमें मैं लिखता हूं, मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में आएगा, आई राइट ए लेटर. ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म. मैंने आगे के क्लास में आपको सिखाया हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में. पास्ट का भी मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा पास्ट क्या होगा, वो भी मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि उसका चार फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस आपको बनाया था. इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है आपको, नेगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, वो सब आपको सिखाया था मैंने. ठीक है, याद होगा, याद नहीं याद है तो वापस जाके वो वीडियो देख लेना, तो आपका क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इसका पास्ट क्या होगा, आई रोट ए लेटर. ठीक है, आई रोट ए लेटर. ठीक है, अभी आएगा फ्यूचर, मैं पत्र लिखूंगा, बराबर. अभी मैंने लिखा नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, आई राइट ए लेटर. आई राइट ए लेटर यानी कि मैं पत्र लिखता हूं,
उसके बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, मैंने पत्र लिखता हूं, मैंने पेन और बुक लेके बैठा है पर इधर उधर देख के बैठा है, लिख नहीं रहा हूं मैं उधर, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं है, काम तो वही कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं कर रहा हूं, लेटर लिखने के लिए बैठा हूं मैं, तो इसीलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं वो काम कर नहीं रहा हूं पर काम के लिए बैठा है, क्लियर, काम के लिए बैठा पर अभी मैं कंटिन्यूस कर नहीं रहा हूं, इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई राइट ए लेटर, पास में मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, फ्यूचर में मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है क्या, स्लो कर दूंगा, ठीक है, फ्यूचर में आई विल राइट ए लेटर होगा, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, आई विल राइट ए लेटर, ठीक है, आई विल राइट ए लेटर, राइट, देखो इधर आई राइट ए लेटर, राइट वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया वी वन, मैंने आपको बोला पहले भी मैंने लिखा हुआ था राइट रोट रिटन और राइटिंग, ठीक है, चार फॉर्म्स है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, इधर मैंने वी वन यूज किया, मैंने इधर लिखता हूं वी वन, मैंने पास्ट किया तो इसको वी टू कर दिया, और फ्यूचर में मैंने वी वन ही यूज किया, राइट, वी वन आई विल राइट ए लेटर, फ्यूचर टेंस है आई विल राइट ए लेटर, अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हो गया, पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट ये हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा हो ना, ये थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस है, अभी सेकंड टेंसेस में अपने जा रहा हूं कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में ये कैसे होगा, आई राइट ए लेटर का कंटिन्यूअस कैसे होगा, कंटिन्यूअस यानी कि आप वो काम कर ही रहे, अभी मैं पत्र लिखता हूं, पहले पत्र लिखता हूं बोला, अभी मैं बोलूंगा क्या, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मतलब मैंने पेन और बुक लेके वो चीज कर ही रहा हूं, अभी आप आके मेरे को देखते हैं तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि राजीव कुछ कर रहा है ऐसा, ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इधर अपने को आएंगे कंटिन्यूअस है, तो इधर कंटिन्यूअस में आएगा आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, क्लियर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं आपको टाइप प्रिंट करके कंप्यूटर में प्रिंट करके आपको शो कर दूंगा, आप उसमें देख के लिख लेना, मेरा राइटिंग आपको पढ़ने में इजी ना होगा, ठीक है, उससे आप बुक लेके ऐसा कॉलम बना के आपको लिखना पड़ेगा, तो मगज में आएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, पास्ट इंडेफिनिट आया, फ्यूचर इंडेफिनिट आया, जो भी आता है आपका आपका माइंड में वो कॉलम टेबल ला देने का, मेरा ये टेबल ये है इंग्लिश का, ये टेबल से आपका पूरा इंग्लिश चलेगा, ठीक है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका पास्ट क्या होगा, मैंने पत्र लिखा था, ठीक है, इधर पत्र लिख रहा हूं, मैंने पत्र लिखा था, तो आई एम राइटिंग ए लेटर, एम का पास्ट टेंस होगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ये क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा, ठीक है, मैं पत्र अभी मैं पत्र लिखूंगा, ठीक है, पत्र लिख रहा हूं, ये पत्र मैं लिख रहा था, पास्ट में हो गया, अभी ये सब मैं लिख रहा हूं ना, ये सब मैं एक्टिव वॉइस में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको पैसिव वॉइस भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे का वीडियो में आगे के क्लास में मैं वो सिखाऊंगा आपको, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब बोलते हैं इन अवर कोलोक्वियल लैंग्वेज, कोलोक्वियल लैंग्वेज मीन्स अपने बोलने वाले लैंग्वेज में, कोलोक्वियल लैंग्वेज में आपको मिस्टेक कर सकते हैं, उसमें आप मिस्टेक करने से कोई रोक नहीं सकते, मिस्टेक होता ही है, सभी को होता है, पर उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर व्हेन राइटिंग इट शुड बी वेरी परफेक्ट, ठीक है, तो
और चीज आपको ध्यान रखने का, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई विल बी राइटिंग ए लेटर होगा, आई विल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं लेटर लिख रहा था, ये मैटर मैं लेटर लिख रहा होगा, ठीक है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ये जो चीज मैं आपको बता रहा है ये सब एक्टिव वॉइस में है, मैं इधर लिखता हूं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसके पीछे पीछे पैसिव वॉइस आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको मैं आपको स्पीड में लेने जाऊंगा, आप स्लोली करो। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई राइट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट, आई रोट अ लेटर, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल राइट अ लेटर, क्लियर। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो पास्ट में क्या, वो पास्ट है, मैंने लिख रहा था, ठीक है। और ये आपको होगा फ्यूचर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा होगा, क्लियर ना, लिख रहा था, लिख रहा हूं, लिख रहा होगा, ठीक है। ये लिखता हूं, लिखा है, मैं लिखूंगा, ठीक है। ये है दो चीज। अभी तीसरा चीज क्या है, इसमें काफी लोग ने गलती कर रहे हैं, तो ये चीज ध्यान से सुनना, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, फिर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा और कौन सा सिचुएशन में उसको यूज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी कंटिन्यूअस ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पर काफी लोग इसमें गलती कर रहे हैं। अभी मानो मैं लेटर लिख रहा हूं, अभी मानो ये बुक पेपर है, पेपर में मैं लेटर लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं, अगर मैं ना मानो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं, अभी से नहीं लिख रहा हूं, मैं सुबह से लिख रहा हूं, समझ में आ रहा हूं, मैं सुबह से मैं लेटर लिख रहा हूं, अभी से नहीं किया, मैं सुबह से लिख रहा हूं, तो कोई बोलेंगे क्या बोलेंगे, मैं लेटर लिख रहा हूं सुबह से, ठीक है, दो घंटे पहले से, एक घंटे से लिख रहा हूं, दो घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं दो घंटे से लेटर लिख रहा हूं, दो घंटे से मैं डांस कर रहा हूं, होता ही है ना ऐसा, अभी नहीं किया, मेहनत दो घंटे से चालू है, दो घंटे से पढ़ाना मेरा चालू है, दो घंटे से मेरा पढ़ना चालू है, दो घंटे से डांस करना चालू है, दो घंटे से सिंगिंग चालू है मेरा, दो घंटे से मेरा एक्टिंग चालू है, तो दो घंटे से या सुबह से, ये सब आपका आएगा ना, लॉन्ग टाइम आपको इंडिकेट करना है, मुझे अभी से नहीं यार पहले से लिख रहा हूं, है? मतलब मैं दो घंटे से भी यही काम कर रहा हूं, तो मैं लेटर लिख रहा हूं पर मैं सुबह से दो घंटे से मैं लिख रहा हूं, तब आपने क्या बोलेंगे, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई एम राइटिंग ए लेटर गलत होगा। इसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में इधर आपको लिखना होगा आई हैव बीन, आई हैव बीन, फिर क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, रिटर्न नहीं आएगा, राइटिंग आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, फिर आपको ये शो करना बहुत जरूरी है, क्यों, इधर राइटिंग ए लेटर कब से, सिंस मॉर्निंग फॉर टू आवर्स, ये सब आपको लिखो, तो अपना इधर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, समझ में आ रहे हो, ये दोनों को फर्क क्या है, मैं दो घंटे से काम करते रहा हूं, इसको बोलेंगे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। लोग ऐसा भी गलत बोलते हैं, मैं काफी सुना है, आप भी सुनते होंगे, आई एम राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है, आई एम राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग ग्रामेटिकली बहुत रॉन्ग है, आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग इज द परफेक्ट फॉर्म,
ओके तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आ गया, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको बहुत याद रखने का, कोई भी चीज आप अभी प्रेजेंट आप कर ही रहे हो तो आई एम राइटिंग अ लेटर मैं कर रहा हूं, पर मैं सुबह से लिख रहा हूं यार, तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग है उसका परफेक्ट यूसेज, तो उसमें आप गलती नहीं करना, ठीक है। अभी आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, तो हैव को अपने को हैड ही करने हैं, हैव को पास्ट को हैड ही कर देने के, बराबर अपने क्या करेंगे, आई हैड बीन, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना ही है, ये हैव को आपको ऐड करना है, हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये हैव बीन आगे जाके आपको इतना स्पष्ट बोलना नहीं है, हैव प्लस बीन तो आपको शॉर्ट करके बोलते हैं आई बीन बोल सकते हैं, अभी आप आई हैव बीन बोलो बाद में कोई ऐसा बोलेंगे नहीं, आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, इसी तरह बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आया, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अभी आपको फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में इसका क्या होगा, फ्यूचर में आपने लिखा आई विल बी राइटिंग अ लेटर होगा, तो इसमें फ्यूचर में ये फ्यूचर बताने में ये लेटर सुबह से लिख रहा होगा, ठीक है, मैं सुबह से लेटर लिख रहा होगा ऐसा होगा, ठीक है, ये मैं सुबह से लिख रहा हूं, ये सुबह से लिख रहा था, अभी मैं सुबह से लिख रहा होगा, ठीक है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, मैं हिंदी ग्रामर नहीं सिखाता इंग्लिश ग्रामर सिखाता आपको, हिंदी में ऐसा बोले लिख रहा होगा, ये फ्यूचर टेंस है, तो इसमें क्या बोलेंगे, आई विल हैव बीन, फिर राइट का फोर्थ फॉर्म ही आएगा, आई विल हैव राइटिंग ए लेटर, वो बोलेगा आपको सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये टाइप करके आपको पेज बताऊंगा, वो पेज देख के आप क्लियरली लिख देना, मेरा राइटिंग आपको आपको नहीं इतना अच्छा नहीं है पर समझ में आएगा आपको, बराबर ना। लैंग्वेज के लैंग्वेज का मतलब क्या है, कोई भी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब इतना ही है, आप गलत बोलो उससे कोई फर्क नहीं है, आपका माइंड का जो मैसेज दूसरे को कन्वे करना है आपको, ठीक है, इतना ही लैंग्वेज का मीनिंग है, ठीक है। तो इतना तक पहुंच गया, तो अभी परफेक्ट टेंस बाकी है, पर क्लास थोड़ा लंबा हो गया, मेरे को लगता है काफी लंबा हो गया, इतना आप समझ लो, मैं परफेक्ट टेंस मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा आपको, इतना आप बराबर ये देख के पढ़ना, ठीक है, ठीक है ना, इतना बराबर ये देख के पढ़ना, परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि मेरे को आधा देना था पर मैंने ज्यादा लिख दिया, पर बहुत लंबा वीडियो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका ऊपर ऊपर से चला जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ आपका ऊपर से जावे, मैं चाहता हूँ आप लोगों को सब इंग्लिश एकदम तरो है, मेरा इंटेंशन वही है, बराबर ना। तो लैंग्वेज का मेरे पास लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज नथिंग बट कन्वे द मैसेज टू द लिसनर, इफ मेरे को कुछ मेरे को आप मेरा सुन रहे हैं तो मेरे को आप कुछ बोलना है, मेरा मैसेज देना है, तो वो माध्यम को लैंग्वेज बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, मलयालम बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, उर्दू में बोल सकते हो, कोई भी लैंग्वेज से बोल सकते हो, तो जो मैसेज आपका अंदर है वो इंफॉर्मेशन आपको दूसरे को कन्वे करना है उसको बोलते हैं लैंग्वेज, उसमें ग्रामेटिक बोलने में इन कोलोक्वियल लैंग्वेज आपका कोई गलती भी हो जाए ग्रामेटिकली It doesn't make any difference, no issue at all. तो वो उसका चलता है, पर राइटिंग में आपको सही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो लोग ऐसा जो है एक्शन से भी कन्वे करते हैं ना,
समझ में आ जाता है, इतना ही लैंग्वेज के मीनिंग। तो इतना पूरा लिख लेना, मैं पूरा आपको चारों का मैं टाइप करके आपको बताऊंगा, पर क्लास नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है। ये टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप बार बार देख लीजिए, बार बार देखने के आपको थरो कर दो इसको। ये एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव वॉइस भी आएगा नेक्स्ट क्लास में, मैं पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या डिफरेंस है वो भी आपको समझाऊंगा, पर थरो करो, बार बार देखो, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे लिख लो, मैं आपको पूरा समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, राजीव मदन, थैंक यू।